नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। हमें मिलना चाहिए न्याय, यह गुहार लगा रही अबोध बालिका। जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की बात आते पिता के साथ तो की ही गई, बालिका को भी प्रताड़ित किया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक तक शिकायत पहुंची है। मामला तेगवा पंचायत अंतर्गत मारा पानी गांव का है। मारपीट की घटना के बाद परिजन जिला चिकित्सालय में भर्ती है। गांव के सचिव एवं पटवारी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर की गई मारपीट। पूरे मामले की जानकारी देते हुए किसने क्या कहा सुनिए पूरी रिपोर्ट। भाई है मारपीट, भाई जमीन के बारे में को मारपीट करी नहीं। दिनेश पटवारी, रामराज सेक्रेटरी, जमीन के बारे में पापा को मारी नहीं। कौन गांव है? माड़ा पानी। और का तुम्हारे साथ का करी? हमारे साथ पहले दिनेश पटवारी मारी था, गिर गए। फिर रामराज सेक्रेटरी आए सब, फिर मारी तो गिर गए। तो फिर मारे लागे कपड़ा उतार के सगले मारे, गलत काम करे के सोची। हाँ, बदन में डंडा डाल देंगे। मारी नेता जोर बेहोश हो गए, पापा के जा रहे बचावे था। हमें इनका डंडा मारी सगले फुलेलिन सगले देहन सगले सगले शरीर में का घटना है या कौन है आपके? हमारी बहन है। क्या घटना हुई है? पूरा मार रहे थे दिनेश पटवारी सेक्रेटरी रामराज, तो उस देखने गई आपने पिताजी को, तो वो लोग दौड़े इसको मारे, कपड़ा उतार कर इसके साथ गलत करने को सोचे, तो हम दौड़े तो मुझे मारने लगे इसको। आपके आपके साथ भी मारपीट किए? हमारे पास मारपीट किए तो हम भाग गए किसी तरह से, तो कोई इसके साथ पूरा शरीर का कपड़ा उतार कर इसके शरीर में डंडा लाठी डाल कर बेहोश कर दिए। गलत किए, फिर पुलिस बाद में गई, ये बेहोश थी। अभी तक एक्सरे हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई यहाँ कोई नहीं आया। पैसा दे कर सबको रुकवा दिया गया है। अपना का कहे जाए थी, अपना का कहा? का कहा इनके साथ का हो, लड़की की जिंदगी हमारे बहन के बर्बाद कर दिए हैं। आपकी बहन है? हाँ, हमारी बहन है। अपने घर में हम रहते हैं, हमको हमारी शादी हो गई है, और नौकरी चाकरी वाले हैं, उनको जमीन विवाद में पिता को बचाने को दौड़ी। मतलब पिता को आपके कोई मारेगा तो बचाएंगे ही। हाँ, तो इसी तरह पिता को जब मारा रहे पिता का तो बचावे दौड़ी, ओखर जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके साथ इतना मार पीट किए हैं, सीधे शरीर में डंडा डाल के हिला दिए हैं, बेहोश थी। और वही मारे पीटे, वही सब 100 नंबर लगाए, वही सब पुलिस और वो 100 नंबर लहास जैसे इनको लदवा दिए, और सब नौकरी चाकरी वाले हैं रामराज सेक्रेटरी, और अपने वाहन से वो हंसते गाते आए ये मनाते। और हॉस्पिटल में यहाँ एक्सरे वगैरह कुछ नहीं है, रोक दिया गया है। मुझे जहाँ जानकारी मिली ये अभी हॉस्पिटल में भी वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं, चेहरा भी देखने को मिला है। का डॉक्टर से भी उनकी मिली भगत है? मिली भगत है, और सब मिले भगत हैं, डॉक्टरों से भी सबसे। और उनको कुछ नहीं हुआ, उनको मारने वाला कौन था? पिता तो को तो पहले मार के बिछा दिए, बेहोश कर दिए, लहास बना। अभी भी धमकी दे रहे हैं आप लोग, चूँकि घर में रहते हैं, आप बाहर के हैं क्योंकि शादी हो गई। अभी भी घर को उसका खपड़ा वपड़ा सब बिछा दिए हैं, डंडा लाठी मारकर घर भी उधार डाले हैं, अब उस घर में रहने नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं आएंगे तो काट डालेंगे, ये काट डालेंगे, वो काट डालेंगे। आपको धमकी मारपीट हुआ जब? हाँ। यहाँ दवाई हो रही है? नहीं हो रही, सुबह एक सूजी लग जाती है, हो गया। एक्सरे नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। कोई जांच नहीं हुई? अभी नहीं। आपके साथ जो वारदातें की गई उसकी कोई जांच नहीं हुई है ना? नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।